लेफ्ट साइड से राइट साइड डैशबोर्ड, फुल डैशबोर्ड जो है उसका एक मिडिल पॉइंट आपको दिखेगा, मेजर करके भी कर सकते हैं। मिडिल पॉइंट में आपने एक टेप लगानी है, जैसे मैंने अभी रेड वाली लगाई है एकदम बीचों बीच, वो आपका होगा जो ड्राइवर पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप उस पॉइंट को देखेंगे जो मैं जहां मैंने टेप लगाई है, उसके बाद आगे का कुछ भी मैच करेंगे जो विजिबल है। अगर आप देखिए, ये देखिए, मैं व्हाइट टेप के साथ मैच कर रहा हूँ, आई मीन अपनी टेप के साथ जो व्हाइट स्ट्रिप है उसको मैच कर रहा हूँ, तो मतलब मेरी कार जो है रोड के एंड में कम्प्लीटली लेफ्ट में चल रही है। तो ये राइट साइड से ट्रैफिक आने वाला है, लेफ्ट साइड से हम जा रहे हैं, तो हमें पोजीशन अपनी देखनी है कि हम किस पोजीशन पे है। तो इससे आप जजमेंट कर सकते हैं कि आपको आपकी पोजीशन समझ में आ जाएगी कि आप किस पोजीशन पे अपनी कार को ड्राइव कर रहे हैं। तो ये पोजीशन वही है फ्रेंड्स, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि ये जो पॉइंट है, मिड पॉइंट जो है जिसमें मैंने टेप लगाई है, वो मिड टेप से आगे का कुछ भी जजमेंट हम देखते हैं या कोई भी चीज जो विजिबल है हमें, उसको हम लाइन में इसके साथ मैच करते हैं, तो हमारा लेफ्ट साइड का जजमेंट होगा और हम वहां से निकाल सकते हैं। मैच करेंगे तो मतलब हम निकाल सकते हैं, और इस पॉइंट के अंदर के तरफ कुछ आएगा या अंडर के तरफ अगर वो मैच होगा तो वो हिट हो जाएगा। अभी आपने नोटिस किया होगा जो चल रहे थे उनके साथ मैंने मेजरमेंट लगाया। यहाँ से देखिए सामने से कार आ रही है, उसके लिए स्पेस करनी थी तो मैंने क्या किया, कंप्लीटली लेफ्ट आ गया, ऑलमोस्ट वो व्हाइट स्ट्रिप पे आ गई है मेरी कार, और मैं अपनी कार को मूव कर रहा हूँ उस स्ट्रिप पे था। अब राइट में आना पड़ रहा है क्योंकि लेफ्ट में ये है। जब हमारी कार की स्पीड थोड़ी ज्यादा होती है, जैसे अभी 50 प्लस की स्पीड है, इस स्पीड में क्या होता है, हमें थोड़ा सा डिस्टेंस ज्यादा रखना होता है, स्पेशली जब कार मूव हो रही है, आगे कोई व्हीकल मूव हो रही है। वो रीजन ये है कि आप उस स्पीड में जब चला रहे हैं तो आपने ये ध्यान रखना है कि आपका जजमेंट जब आप करेंगे लेफ्ट का और राइट का, जब आप जजमेंट करेंगे तो आपने थोड़ी सी डिस्टेंस रहे, कोई भी व्हीकल लेफ्ट से राइट से कहीं से भी आ सकती है या मूव हो सकती है, आगे जो चल रही है आपके सामने से जो आ रही है या आपके आगे जो चल रही है उसको ओवरटेक ले लगे हैं, तो आपने जजमेंट इसलिए थोड़ा सा ज्यादा रखना होता है, स्पेस थोड़ी सी ज्यादा रखनी होती है कि अगर वो मूवमेंट हो तो आप सेफ पोजिशन पे हो अपनी कार को निकालने के। यहाँ देखिए, यहाँ मेरे को हॉर्न लगाना पड़ा, और ये ट्रक से देखिए मैं मिडिल पॉइंट से जो जो मैंने मिडिल पॉइंट लगाया है उसके साथ मैंने टैग के साथ मैच किया है, लेफ्ट का जजमेंट करते हुए अपनी कार को निकाला है। यहाँ पे भी मैं ओवरटेक लेने के लिए देखूंगा, आगे आगे मेरे पास पोजीशन होगी तो मैं ओवरटेक लूंगा। सिग्नल ग्रीन है, जगह नहीं है क्योंकि टर्निंग है तो मैं रिस्क नहीं लेता हूँ। सामने से देखिए बाइक आ रही थी, अगर स्पेस नहीं होती, ये देखिए कंप्लीट स्टॉप करना पड़ा क्योंकि ये सिग्नल लग गया है। यहाँ से लेफ्ट लेंगे हम, यहाँ पे देखिए मार्केट लोकेशन है, इस पोजीशन पे हमारी गाड़ी जब ड्राइव करेंगे हम तो हमारा पोजीशन समझिएगा, देख जिस तरह से हमारे को मार्जिन लेनी होगी। यहाँ पे मैं सेकंड लेफ्ट पोजीशन का बताता हूँ आपको, सेकंड लेफ्ट जो जजमेंट है वो येलो टैग है, अगर आपको दिखेगा छोटा सा यहाँ येलो टैग है, जो कि मिडिल पॉइंट से डैशबोर्ड के मिडिल पॉइंट और डैशबोर्ड का कंप्लीट लेफ्ट पॉइंट से का बीच का पॉइंट है वो, मतलब जो मेरा मिडिल पॉइंट है 50% डैशबोर्ड का और लेफ्ट कंप्लीट लेफ्ट से जो है उसका 50%, मतलब 25% हो गया लेफ्ट से और राइट साइड से 75%। वहां पे हमारा जो टैगिंग होगा येलो वाला वो हमारा होगा लेफ्ट कंप्लीट लेफ्ट का जजमेंट जब हम पास पहुंचेंगे। ये देखिए टोटो के पास पहुंचे, ये येलो वाले के साथ मैं ध्यान रखूंगा कि ये टोटो जो है वो येलो के बाहर की तरफ है। कोई भी चीज है, कोई भी पोजीशन आगे, आप जैसे जजमेंट लगा रहे हैं, हम दूर से जजमेंट लगाते हैं तो ये मिडिल पॉइंट को जजमेंट लगाएंगे जब हमारे एक विजिबिलिटी फ्रंट पे होगी, कार कार के आगे कोई चीज होगी, हमारे फ्रंट पे आगे के सामने कोई, सामने से कोई आएगा या सामने हम किसी को ओवरटेक लेंगे तो पोजीशन जो होगी हमारी उस तरह से हम करेंगे कि इसके मेजरमेंट करेंगे। अभी देखिए सामने से जो लेके जा रहे हैं वो साइकिल में सामान अपना, उसको जजमेंट लेते हुए हम कार को मूव करेंगे। देखिए पहले मैंने लेफ्ट में रेड से मेजरमेंट किया, फिर देखा येलो से मेजरमेंट किया तो अपनी कार को निकाल लिया। पहले मैंने ये रेड से मेजरमेंट किया जो कि मिडिल पॉइंट है, फिर मैंने मेजरमेंट लगाया जब एकदम पास में पहुंच गया मेरी कार के एकदम पास में, जब मेरे को ऐसा लग रहा है कि आगे फ्रंट में नहीं मेरी कार के पास में है, तो वहां से अगर मैं मेजरमेंट लगाऊंगा या जो मार्जिन या मेजरमेंट या जजमेंट लगाऊंगा, ये देखिए ये साइकिल को मैंने येल्लो टैग से लास्ट में मेजरमेंट लगाया जब मेरी जो साइकिल जो है कम्प्लीटली कार के लेफ्ट साइड में आ गई थी। तो ये होता है जो फ्रंट जजमेंट जब हम एकदम पास से लगाते हैं, तो जब एकदम पास में जजमेंट लगाते हैं तो हमें ये येलो टैग जो मैंने आपको लगा के दिखाया लेफ्ट साइड का होता है और मिडिल पॉइंट लेफ्ट साइड के लिए। तो यहां से हम ड्राइविंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, अगर ये देखिए अभी मैंने जो जजमेंट किया
मेरी कार जो है लेफ्ट साइड में है कम्प्लीटली, ये ट्रक से जजमेंट करूंगा, ये राइट साइड का टेप है इससे मैंने जजमेंट किया, ये बाहर की तरफ है, आराम से मेरी कार निकल जाएगी। अब मेरे को अगर ये व्हाइट स्ट्रिप में चलानी होगी कार, तो ये देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये बड़ा रिस्की हो गया था, राइट साइड से आ रहा था। तो अभी मेरे को अगर ये व्हाइट स्ट्रिप में कार चलानी होगी तो मैं क्या करूंगा, मैंने ये देखिए ये मेजरमेंट किया, अभी देखिए आपको व्हील्स की आवाज आ रही होगी, ये मैंने इसके साथ मैच किया है जो मैंने रेड टेप लगाई है। और रेड टेप लगाई कैसे है, ये वाइपर का जो एंड है, मेरे राइट साइड का वाइपर है, इसका जो एंड पार्ट है उसको मैंने मेजरमेंट में रखा है, वहां से टेप लगा दी है, और आगे कोई भी चीज आएगी तो उसके साथ मैं मैच करूंगा, तो मेरा जजमेंट परफेक्ट होगा राइट साइड से, मतलब राइट साइड में अगर मैं जजमेंट ले रहा हूँ राइट साइड की कोई भी चीज से जजमेंट लगा रहा हूँ, या सामने से देखिए अब जस्ट ऑटो आया, तो मेरे को दूर से ये चीजें ध्यान रखना है, इसके बाहर की तरफ रहे, रेड के अंदर या रेड पे टच जो आएगा तो एकदम मेरी कार पास में पहुंच जाएगी इसके राइट साइड से। तो इस चीज का हमें ध्यान रखते हुए कार को मूव करना है, अपनी राइट साइड का जजमेंट करना है। तो और जैसा मैंने आपको कहा थोड़ी सी स्पीड में होते हैं तो और ज्यादा हमें डिस्टेंस रखना पड़ता है, कभी भी जब जजमेंट करेंगे हम, थोड़ी सी स्पीड ज्यादा होगी हमारे कार की तो हमें और थोड़ा ज्यादा स्पेस रखनी पड़ती है जजमेंट करते के समय। तो लेफ्ट का जजमेंट फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा, अभी हम टू वे रोड में चला रहे हैं तो सामने से कोई भी ट्रैफिक आएगा या कोई भी व्हीकल आएगी, और लेफ्ट साइड में हमें पोजीशन अपनी देखनी है कि हमारी कार लेफ्ट में कितनी लेफ्ट में जा सकती है, उसके हिसाब से हम कार को मूव करेंगे। अभी देखिए यहाँ पे साइकिल है तो हमें ध्यान दूर से देख लिया, रेड से बहुत दूर थी, पास पहुंचे तो येल्लो से भी बहुत दूर थी, बड़े आराम से स्पीड में थे तो हम निकलते गए। अगर ये एकदम मार्जिन पे आती तो मेरे को पैनिक सिचुएशन अराइज हो जाती, मेरे को ब्रेकिंग करनी पड़ती, और हो सकता है कि मेरे को पोजीशन देखते हुए अपनी कार को राइट लेफ्ट करना पड़ता या ब्रेक करके कंप्लीटली स्टॉप करनी पड़ती कार को। रोड यहाँ थोड़ा सा खराब है, मे बी रोड बन रहा है शायद इस वजह से, तो हमें 40 के लिए 40 की स्पीड में आराम से हम कार को चलाएंगे यहाँ पे। अभी यहाँ देखिए जो चल रहे हैं इसको मैं जजमेंट लगाऊंगा, तो ये रेड टेप से मैंने जजमेंट लगाई अपनी, और फिर येलो, ये देखिए येलो से जजमेंट लगाई और आराम से मूव कर रहे हैं वो। तो ये जजमेंट हम मूव करने के लिए कोई भी पोजीशन पे कर सकते हैं, जैसे हम कहीं पे भी कार ड्राइव कर रहे हैं तो हमें जजमेंट लगानी है, तो इसी तरह से हम जजमेंट करते हुए कार को मूव कर सकते हैं। अभी देखिए ये जो ट्रेलर खड़ा है या ये डंपर खड़ा है, तो इसका जजमेंट हम कैसे करने वाले हैं, ये देखिए आप एकदम पोजीशन पे पहुंचे, दूर से हमने जब जब विजिबिलिटी आई तो ये देखिए रेड से जजमेंट लगाया हमने, अब जब लेफ्ट से जजमेंट लगाया ही मैंने येल्लो से, तो येल्लो के पास मेरे को ये देखिए येल्लो के एकदम पास से मैंने कार निकाली है। तो ये जजमेंट हम करते हैं जब हम कार को किसी भी पोजिशन पे पास से निकालना होता है स्लो करके, इसलिए मैंने दिखाया ताकि आप में मैच कर सके कि आप रेड को पहले मैच किए, फिर जैसे ही मेरी कार एकदम लेफ्ट में पास में पहुंची है तो आपने ये येल्लो से मैच किया है। तो अब थोड़ी सी स्पीड में कार को आगे बढ़ाएंगे तो आगे से जो आने वाला ट्रैफिक है या व्हीकल है उसकी जजमेंट हमें ध्यान रखना है कि ये रेड टेप, ये जो राइट साइड का रेड टेप लगाया है मैंने, इसके बाहर की तरफ रहे कोई भी व्हीकल, अंदर की तरफ ना आए, तो उसका जजमेंट हम कैसे करेंगे, ये आप देखिए सामने से जो ऑटो आया, मेरे को ये ध्यान रखना है कि ये रेड टेप के बाहर की तरफ रहे। और सबसे बेस्ट है क्या है, अगर आप इनिशियली ऐसे ड्राइव कर रहे हैं टू वे लेन में, तो आप अपने लेफ्ट साइड में बना के रखें अपनी कार को, कभी भी जैसे ड्राइव कर रहे हैं तो आप अपनी कार को लेफ्ट में, ये देखिए ये मैंने जजमेंट लगाया, बहुत ज्यादा लेफ्ट नहीं जा रहा हूं मैं, ये रेड के साथ मैच कर रहा हूं तो और थोड़ी सी डिस्टेंस ज्यादा रखी है मैंने, ताकि मेरी कार पोजीशन में देखा जाए तो लेफ्ट पे चल रही है, इतने चौड़ ऐसी रोड है जो टू वे रोड है उससे लेफ्ट में, ये देखिए यहाँ पे मेजरमेंट देखिए, ये येल्लो एकदम पास में पहुंचा तो येल्लो के साथ जजमेंट किया और फिर आगे बढ़ाई मैंने कार। अभी जैसे आगे देखिए ऑटो आ रहा है तो रोड चौड़ी है, भरा है आराम से, मेरे को पता है राइट साइड से आराम से निकल जाएगा, और मैं कंप्लीट लेफ्ट में नहीं जा रहा हूँ, कंप्लीट लेफ्ट में जाऊंगा तो ये देखिए ये मैच करते हुए ये सामने बाइक है, हल्का सा राइट आना पड़ेगा, कंप्लीट लेफ्ट में जाना होगा तो मेरे को पोजीशन देखनी होगी, कंप्लीट लेफ्ट क्लियर हो, रोड भी क्लियर हो एटलीस्ट, नहीं तो क्या होगा कि मैं फंस जाऊंगा, या आप कह सकते हैं कॉर्नर में कुछ होगा तो मेरी गाड़ थोड़ी सी पोजीशन खराब हो सकती है, तो इसलिए मैं कंप्लीट लेफ्ट नहीं कर रहा, थोड़ी सी पोजीशन देखते हुए अपनी कार को मूव कर रहा हूं। ता, 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 ता।
यहाँ रोड कंस्ट्रक्शन हो रहा है, रोड बन रहा है, तो थोड़ा सा अलर्ट रहना जरूरी है, क्योंकि कहीं से भी कोई व्हीकल, उन्हें समझ में आएगा कि पॉट होल है या कुछ है। जैसे देखिए हाफ पोजीशन हो रखी है रोड पे, तो मेरे को जजमेंट लेते हुए कार को मूव करना है। अभी देखिए सामने से इतनी सी स्पेस है, लेफ्ट का जजमेंट और राइट का, इतनी सी स्पेस में मैं कार को निकाल रहा हूँ। तो मेरे को जजमेंट कैसे पता चली कि ये मैंने टेप से, रेड टेप से अपने जो लेफ्ट का डिवाइडर है उसका जजमेंट लगाया, और राइट टेप से ये जो पॉइंट है इससे मैंने राइट में जो कार खड़ी थी उसका पोजीशन लगाया। अगर इतनी स्पेस नहीं होती मेरे पास तो मैं स्टॉप कर लेता और उस कार को और थोड़ी सी राइट, उसके लेफ्ट की तरफ जाने बोलता, ताकि मेरा राइट की तरफ और क्लियर हो जाता, फिर मैं अपनी कार को मूव कर सकता था।